यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में कहें तो समान नागरिक अधिकार संहिता। जैसा कि नाम से ही समझ आता है कि ये बिल देश के हर नागरिक को समान अधिकार दिलवाने की पैरवी करता है। फिर भी देश में कट्टरवादी विचारधारा के लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उनकी माने तो यूसीसी उनके धर्म के हिसाब से उन्हें मिलने वाले विशेष अधिकारों का हनन करता है। यूसीसी लागू होने के बाद उनसे उनके विशेष अधिकार छीन लिए जाएंगे। नमस्कार, मैं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। यूसीसी को लेकर देश में चल रही लड़ाई कोई नई नहीं है। यूसीसी को लेकर आजादी के बाद से आज तक एक धर्म युद्ध सा छिड़ा हुआ है। हालांकि पिछली सरकारों ने कभी यूसीसी को लागू करने के बारे में सोचा नहीं, या यूं समझिए कि उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से ही ठंडे बस्ते में पड़े यूसीसी बिल को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन यूसीसी को लेकर हंगामा करने वाली कांग्रेस और विपक्षी दल ये भूल जाते हैं कि यूसीसी की वकालत करने वाले सबसे पहले पैरोकार खुद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर थे। बता दें कि 1947 में देश आजाद होने के बाद जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तब नेहरू और अंबेडकर ये चाहते थे कि पूरे देश में हर नागरिक को समान अधिकार मिले और उनके लिए कानून भी एक समान है। वो दोनों ही समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे, लेकिन उस जमाने में उन्हें भी धार्मिक कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ा। जब संविधान बनाया जा रहा था, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तब भी संविधान सभा में इस पर खूब बयानबाजी, खूब बहसबाजी, खूब हंगामा हुआ था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों का मानना था कि अभी हमारा देश समान नागरिक संहिता के लिए तैयार नहीं, तो वहीं अल्पसंख्यक समाज की तरफ से असुरक्षा की भावना का तर्क भी दिया गया था। इन सब तर्क और बहसबाजियों को देखते हुए नेहरू और अंबेडकर इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में शामिल करने में सफल रहे। ये खास बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में शामिल करने में दोनों सफल रहे थे, जिसे देखते हुए आज बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी कर दिया। इस तरह से यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है और अब बीजेपी शासित तमाम राज्यों में भी यूसीसी लागू करने की मांग तेजी पकड़ रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाने के बाद कुछ इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तो बहुविवाह का खात्मा होगा, उत्तराधिकार का मसला हल होगा, मृतक की संपत्ति की सुरक्षा होगी, लिव इन रिलेशनशिप के मामले कम होंगे, आलोचकों का डर खत्म होगा, प्रगतिशील कानून में बढ़ोतरी होगी। तो चलिए अब आपको विस्तार से उन समस्याओं के बारे में बताते हैं जिनका सीधा हल यूसीसी लागू होने के बाद हो जाएगा। सबसे पहले बात बहुविवाह की करें तो इस कानून के अनुसार बहुविवाह और बाल विवाह पर रोक लगेगी और सख्ती की जाएगी। शादी के लिए लड़कों की उम्र 21 तो लड़कियों की उम्र 18 निर्धारित होगी। उल्लंघन करने वालों को कठोर सजा होगी। फिलहाल यूसीसी उत्तराखंड के लोगों पर लागू हो रहा है, लेकिन राज्य के बाहर से आने वाले लोग भी इसकी जद में होंगे। हालांकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 366, 25 और 342 के तहत आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लोगों को इससे बाहर रखा गया। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराधिकार के मामले में भी सही व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी, ऐसा माना जा रहा है, खासतौर पर उन मामलों में जब वसीयत ना हो। कानून के मुताबिक व्यक्ति के जीवन काल के दौरान पैदा हुए बच्चे और उसकी मौत के बाद पैदा हुए बच्चों के बीच अंतर नहीं किया जाता। अगर कोई विधवा या विधुर है और उसने व्यक्ति की मौत से पहले फिर से शादी की है, तो उसे विरासत नहीं मिल सकती। इसके अलावा अगर कोई आपराधिक मामले जैसे हत्या या फिर हत्या में मदद करने वाला कोई आरोप है, तो वो शख्स भी संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। तो यूसीसी साफ तौर पर मृतक की संपत्ति की सुरक्षा का भी हक देता है। इसके तहत लोकल मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दी जा सकती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो कानूनी तौर पर उसकी संपत्ति को संभालने के लिए चुना गया एडमिनिस्ट्रेटर कानूनन मृतक का प्रतिनिधि बन जाएगा और मृतक की सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। बात करें अगले मामले की, तो आज के नए दौर में लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आज के युवा परिवार की दखल अंदाजी के बिना अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जीना चाहते हैं और इसी चक्कर में युवा लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कई बार ठगे भी जाते हैं। ज्यादातर मामलों में महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर यौन उत्पीड़न का शिकार बन जाती है। यूसीसी में इससे जुड़ी गंभीर समस्या पर भी गौर किया गया है, जिसके तहत अब उत्तराखंड में किसी भी निवासी को अगर लिव इन में रहना है, तो उसके लिए उसे अपने रिलेशनशिप की जानकारी उस इलाके के रजिस्ट्रार को देनी है। ऐसे में अगर दोनों में से कोई भी नाबालिग है या किसी दूसरे से विवाहित है, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर किसी का रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप के लिए हो जाता है, तो उनके होने वाले बच्चे को भी वैध माना जाएगा।
तो यूसीसी को लेकर समाज के लोगों में कई तरह के मिथक हैं, भ्रांतियां हैं। यूसीसी की मुखालफत करने वाले लोगों का यह तर्क है कि इसे लागू करने से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। यूसीसी के विरोधी ये दावा करते हैं कि देश का संविधान सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करने और उसकी रक्षा करने का अधिकार देता है। यूसीसी को इसी कानूनी गारंटी के खिलाफ देखा जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर मुस्लिम समाज को इस बात का डर है कि यूसीसी उनकी आजादी पर ग्रहण लगा सकता है या उनकी पहचान को खत्म कर सकता है। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो जैसे अभी तक मुस्लिम समाज के लोग बेरोक टोक जितनी मर्जी शादियां कर लेते, लेकिन यूसीसी लागू हो जाने के बाद उनकी इस तरह की मनमानियां बंद हो जाएंगी। वहीं अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने वालों का नजरिया देखा जाए तो यूसीसी संविधान के धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों पर चलता है, जो देश के सभी नागरिकों के साथ कानून के मुताबिक एक समान व्यवहार करता है। यूसीसी अलग अलग धर्म के लोगों को एक ही तराजू पर तोलता है ताकि पर्सनल लॉ के नाम पर देश में फैली असमानता को खत्म किया जा सके। साथ ही यूसीसी एक प्रगतिशील और समावेशी कानूनी ढांचे को बढ़ावा देता है, जो समाज के हर वर्ग के लिए एक समान सामाजिक और आर्थिक न्याय को एक नई दिशा देता है। ये पर्सनल लॉ से पैदा होने वाले भ्रम को तो खत्म करता ही है, साथ ही आम जन के संघर्ष को भी कम करते हुए उन्हें समान मूल्य और नैतिकता के आधार पर ताकत देता है। तो बताइए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? यूसीसी को लेकर आपकी जो भी राय है उसे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।